Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the subject of marketing, and we have started a series on marketing subject, and this video will relate with the two subjects, two important concepts, and that is consumer behavior or market segmentation. तो आज हम consumer behavior और market segmentation के बारे में बात करने वाले हैं कि consumer behavior क्या होता है और मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है. ये दो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें और इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे वो आप इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. देखो, कंज्यूमर बिहेवियर का जो मीनिंग है काफ़ी इजी है, बट हर कंज्यूमर का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो इट इज़ द स्टडी ऑफ बाइंग पैटर्न्स ऑफ द कंज्यूमर्स. इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एक बाइंग पैटर्न्स के बेस पे डील करता है. That means what is the consumer expecting? That is the basic meaning of the word consumer behavior. तो consumer behavior हर organization में consumer के preferences को, consumers के likes को, consumer के dislikes को हमें ध्यान में रखना पड़ता है. तो consumer behavior क्या है कि consumer behavior हम एक study करने वाले हैं about the buying patterns of the consumer, कि what does the consumer likes. तो consumer behavior एक process होगा जिसमें हम evaluate करेंगे, जिसमें हम decision लेंगे, जिसमें हम identify करेंगे कि what is the expectations of the consumers and what are the products which the consumers are liking. So accordingly अगर हम manufacturing करेंगे तो हमें बहुत सारे benefits उससे related मिल पाएंगे. तो और एक थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स सर्च फॉर, सिलेक्ट, परचेज एंड यूज एंड डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड वांट्स. तो बेसिकली कंज्यूमर विल आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स ही लाइक्स एंड अकॉर्डिंगली ही विल बी purchasing the products, and after purchasing the product the most important point arises, that is the satisfaction. तो ऐसा कौन सा product है जो consumer purchase करके उसको maximum satisfaction मिल सकता है, इसके बारे में हमें पहले ही identify करना पड़ेगा कि what is the likes, what are the preferences, what are the dislikes of the consumer. तो कंज्यूमर बिहेवियर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के मार्केट में बन गया है, बिकॉज अगर हम आज की बात करें तो कंज्यूमर आजकल कंज्यूमर क्या हो चुका है? कंज्यूमर सेंट्रिक हो चुका है मार्केट. तो कंज्यूमर सेंट्रिक आपको वर्ड ध्यान रखना है. कंज्यूमर सेंट्रिक मतलब हम मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो. तो वी विल मैन्युफैक्चर सच प्रोडक्ट विच आर कंज्यूमर ओरिएंटेड, ये आपको ध्यान रखना है. सो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं बनाएंगे जो हम चाहते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो कंज्यूमर चाहता है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो ये है सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड कंज्यूमर बिहेवियर. अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर? वन इज सोशल, सेकेंड इज पर्सनल, थर्ड इज कल्चरल. तो थोड़ा ध्यान से डिस्कस करेंगे. देखो, सोशल फैक्टर्स में रेफरेंस ग्रुप्स आता है, सोशल स्टेटस आता है. सिमिलरली पर्सनल फैक्टर्स में एज, जेंडर और एजुकेशन आएगा. कल्चरल फैक्टर्स में कल्चर, सब कल्चर और रिलीजन आएगा. पर्सनल फैक्टर्स में ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल भी कवर होगा. अब सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं, सोशल फैक्टर्स. देखो, मैन एक सोशल एनिमल है और उसके लिए सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स काफ़ी मायने रखते हैं. जैसे अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट नया परचेस करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम हमारे रेफरेंस ग्रुप्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो हमारे रेफरेंस ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल है, जितने भी हमारे रिलेटिव्स है, जितने भी लोग वो प्रोडक्ट को पहले यूज़ कर चुके हैं, हम उनसे
इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज द सोशल ग्रुप्स. तो सोशल ग्रुप्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एक कंज्यूमर को अफेक्ट करेगा फॉर परचेसिंग अ प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज द सोशल स्टेटस. तो सोशल स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट है. हर एक पर्सन का सोसाइटी में एक सोशल स्टेटस है. जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक का अलग अलग है. तो जैसा सोशल स्टेटस होगा उस बेस पे भी वो फैक्टर अफेक्ट करेगा. तो सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर्स. द सेकेंड फैक्टर इज द पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स इज वेरी इजी, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट. एंड दैट इज एज, जेंडर, एजुकेशन हो सकता है, ऑक्यूपेशन एंड इनकम हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है. तो हर एक एज के बेस पे लोग प्रोडक्ट्स को प्रिफर करते हैं, जेंडर वाइज प्रोडक्ट प्रिफर करते हैं, या एजुकेशन वाइज लोग प्रोडक्ट को प्रिफर करते हैं. जैसे एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, बट दोज हु आर नॉट टेकिंग द एजुकेशन उन लोग के लिए बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं बन जाएंगे. तो एज पर द पॉइंट दिस फैक्टर्स आर बीन डिवाइडेड. फिर आपके ऑक्यूपेशन और इनकम के ऊपर आपका ओवरऑल परचेसिंग पैटर्न या बिहेवियर पैटर्न डील करता है. अगर आपके पास काफ़ी अच्छा अर्निंग है तो उस बेस पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ते जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लाइफस्टाइल. तो लाइफस्टाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ेगी, जैसे जैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल आएगी, वैसे वैसे प्रोडक्ट हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, हम प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे. तो हमारा सबसे पहला फैक्टर्स था सोशल, सेकंड फैक्टर है हमारा पर्सनल, थर्ड है हमारा कल्चरल फैक्टर्स. तो कल्चरल फैक्टर्स में क्या कवर होगा, कल्चरल फैक्टर्स में कल्चर एंड सब कल्चर कवर होगा. जैसे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, सर्टन आइडियाज़ होते हैं, सर्टन कस्टम्स होते हैं, तो सर्टन बिलीफ्स होते हैं. तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हर एक कल्चर, हर एक सब कल्चर अपने अपने बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ डील करेगा. कुछ कल्चर में या कुछ रिलीजन में कुछ प्रोडक्ट्स अलाउड होंगे, कुछ रिलीजन में कुछ प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं होंगे. तो बेसिकली ये भी फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो पहला हमने फैक्टर पढ़ा सोशल, सेकंड इज़ पर्सनल एंड थर्ड इज़ कल्चरल. देन द नेक्स्ट फैक्टर इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एटीट्यूड कवर होगा और परसिप्शन मोटिवेशन. मार्केटिंग फैक्टर्स में प्रोडक्ट प्राइजिंग कवर होगा, प्रमोशन और प्लेस कवर होगा. इकोनॉमिक फैक्टर में डिस्पोजेबल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव कवर होगा. तो बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या बोलता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हर एक पर्सन के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है. एंड दैट इंडिकेट्स द फर्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज एटीट्यूड. तो एटीट्यूड भी हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है. एक प्रोडक्ट के तरफ, एक ब्रांड के तरफ हर एक पर्सन का एटीट्यूड डिफरेंट है. अगर किसी इंसान को प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो किसी इंसान को उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट या फॉल्ट भी मिलेंगे. सेकेंड इज़ द परसिप्शन एंड मोटिवेशन. तो परसिप्शन एंड मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है. परसिप्शन क्या होता है, इट इज़ द वे एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स और नोटिसेस अ प्रोडक्ट. तो परसिप्शन उसकी सोच कैसी है उस प्रोडक्ट के बारे में. और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो इंसान को मोटिवेट कर सकती है फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट. तो मोटिवेशन ऑल्सो प्लेस अ वाइटल रोल ओवर हियर. तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था हमारा सोशल फैक्टर्स, सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा हमारा पर्सनल, थर्ड हमने पढ़ा कल्चरल, और अभी हमारा पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एटीट्यूड कवर होगा, परसिप्शन एंड मोटिवेशन भी उसमें आएगा. नेक्स्ट इज़ द मार्केटिंग फैक्टर्स. देखो मार्केटिंग फैक्टर्स में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, मार्केटिंग फैक्टर्स में आपको सिर्फ याद रखना है फोर पीस. फोर पीस अगर आप याद रखोगे, दैट इज़ द ब्लेंड ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. फोर पीस में क्या क्या कवर होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. फिजिकल, बेसिकली थ्री पीस और ऐड हो चुके हैं सर्विस मार्केटिंग में, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. बट फिलहाल मार्केटिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ फोर पीस याद रखने हैं, प्रोडक्ट एंड प्राइजिंग, प्लेस एंड प्रमोशन. तो यही हमारे फोर फैक्टर्स है. फिर इसके बाद का जो फैक्टर है वो होता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर. तो इकोनॉमिक फैक्टर अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर की, तो उसमें पहला पॉइंट है डिस्पोजेबल इनकम और प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम. तो डिस्पोजेबल फैक्टर्स में क्या कवर होगा कि डिस्पोजेबल फैक्टर्स में हमारे जो हमारी जो फैमिली है उसका साइज कवर होगा, जिसमें हमारे ओवरऑल पैसे डील करेंगे, जितना पैसा हमारे पास बचा है वो पैसे से हम कितने प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हमारे बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स को, और फिर हम लग्जरीज कमोडिटीज़ के पीछे जाएंगे. तो दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन द डिस्पोजेबल इनकम. एंड नेक्स्ट इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम.
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास हमारे जो स्पेंडिंग हैबिट्स है उसके ऊपर में भी ये फैक्टर्स रिलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर पैसा है तो वो पैसे से हम कितना पैसे को सेव कर रहे हैं और कितने पैसे को हम हमारे लिए कंज्यूम कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स। अगर फैमिली साइज़ बड़ा है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, फैमिली साइज़ अगर छोटा है तो कंजम्पशन कम हो सकता है। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में अब भी हमने फैक्टर्स कवर किए, सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर आते हैं मार्केटिंग फैक्टर्स, और फिर है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बहुत से बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो इफ इट इज आस्क, यू हैव टू राइट दिस ऑल फैक्टर्स एंड एक्सप्लेन इन शॉर्ट विद द फैक्टर्स विच आई हैव टोल्ड यू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज मार्केट सेगमेंटेशन भी बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। देखो, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये पूरा मार्केट है, इस मार्केट को हम अगर प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, ये एक पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्केट सेगमेंटेशन। यहाँ पे हम मार्केट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब देर इज़ द पॉपुलेशन विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और ये मार्केट में जो पॉपुलेशन है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल है, तो दैट इज़ वाई मार्केट क्या होता है, मार्केट हेट्रोजीनियस होता है। तो मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के लोग हैं जिनके लाइक्स, जिनके प्रेफरेंसेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को, हेट्रोजीनियस मार्केट को हमारे बेस पे डिवाइड करेंगे, उसका ग्रुप बनाएंगे, और वो ग्रुप कैसा होगा, वो ग्रुप सिमिलर होगा, दैट इज होमोजीनियस। तो यही हमें कर रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन में। मार्केट सेगमेंटेशन का सिंपल मीनिंग होता है डिवाइडिंग द मार्केट इंटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और सब मार्केट्स, और हम क्या करेंगे, होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करेंगे ताकि हमारे लिए भी बेनिफिट होगा, और ये बेस पे हम हमारे बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो दैट इज़ द मीनिंग। तो एक बार थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन का पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर गुड और सर्विस इंटू सेवरल सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का मतलब यहाँ पे होता है ग्रुप्स, ईच ऑफ विच टेंड्स टू बी होमोजीनियस इन ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। तो जैसे हम हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड करेंगे, वैसे हम हमारे ग्रुप को प्रॉपर डिवाइड कर लेंगे और ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे एज वाइज, जैसे यंग जनरेशन को एक हमने एक ग्रुप में डाल दिया, फिर थोड़े एजड ग्रुप को हमने एक एक इसमें डाल दिया, रूरल पॉपुलेशन को अलग में डाल दिया, अर्बन पॉपुलेशन को अलग में डाल दिया। दिस ऑल आर पॉइंट्स रिलेटेड टू मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसके भी बेसिस है, तो मार्केट सेगमेंटेशन के भी बेसिस हमें पढ़ने, काफ़ी इजी बेसिस है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। तो डेमोग्राफिक में क्या क्या चीज़ें कवर होगी, फिर ज्योग्राफिक है, फिर अपना थर्ड पॉइंट है सोशियोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक देखो क्या है, एज, सेक्स, एजुकेशन, इनकम, फैमिली साइज। तो एज पर एज हमने डिवाइड किया, एज पर मेल फीमेल, एज पर एजुकेशन हमने डिवाइड किया, हाईली एजुकेटेड है, प्रोफेशनल्स है, ग्रेजुएट्स है, अंडर ग्रेजुएट्स है, वैसा हमने डिवाइड किया, या एज पर हमने इनकम डिवाइड कर लिया है, या एज पर हमने फैमिली साइज डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा डेमोग्राफिक, सेकेंड इज ज्योग्राफिक फैक्टर। ज्योग्राफिक में क्या होता है, हम रीजन वाइज डिवाइड करते हैं। ज्योग्राफिक इज नथिंग बट डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रूलर या अर्बन। तो रूलर अर्बन के बेस पे अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, रीजन वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर तीसरा हमारा आता है सोशियोग्राफिक। तो सोशियोग्राफिक अभी हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, देखो कल्चर के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, सोशल क्लास के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, या रेफरेंस ग्रुप्स हमारे जैसे होंगे उसके बेस पे भी हम डिवाइड कर पाएंगे। दैट इज डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक एंड सोशियोग्राफिक। तो तीन फैक्टर्स फिलहाल मैंने कवर किए, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक एंड सोशियोग्राफिक। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है साइकोग्राफिक। तो साइकोग्राफिक थोड़ा ध्यान से याद रखना है आपको, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वहाँ पे था, एटीट्यूड था, पर्सनालिटी था, सिमिलर लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी पर्सनालिटी के बेस पे आपके मार्केट को डिवाइड किया जाएगा, आपके एटीट्यूड, तो एटीट्यूड के बेस पे मार्केट को डिवाइड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइकोग्राफिक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द बिहेवियरल फैक्टर्स, बिकॉज बिहेवियरल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सभी चीज़ों को ध्यान में रखा लेकिन आपकी ही विलिंगनेस नहीं है टू बाय, तो यू कैन नॉट बाय द प्रोडक्ट। तो दैट इज़ वाई कंज्यूमर्स का क्या विलिंगनेस है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट कैसे परचेस करना चाहता है। तो कंज्यूमर पहला पॉइंट तो ये देखिएगा कि प्राइस कितना कम है, तो कंज्यूमर का विलिंगनेस टू बाय भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कंज्यूमर ब्रांड लॉयल कितना है, यूजर रेट क्या है, तो जितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे, लेवल ऑफ यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स वो कितना कंज्यूम कर रहे, दैट इज कॉल्ड यूजर रेट. यूजर स्टेटस भी पॉइंट यहाँ पे कवर हो सकता है. तो बिहेवियरल ओवरऑल रिलेट करता है कंज्यूमर से, बेसिक पॉइंट से रिलेटेड, जैसे विलिंगनेस टू बाय है, वेदर द पर्सन इज ब्रांड लॉयल, और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है टूवर्ड्स वो ब्रांड लॉयल है कि नहीं, दैट मीन्स वो वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी का वही ब्रांड का यूज़ कर रहा है, या फिर वो प्रोडक्ट दूसरे दूसरे प्रोडक्ट जैसे मार्केट में मिल रहे उनको यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी ऑल्सो. तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू मार्केट सेगमेंटेशन. तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली. सो वी हैव स्टडीड द फर्स्ट पॉइंट एज डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक में क्या होता है, एज जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फिर सेकेंड हमने पढ़ा जोग्राफिक. जोग्राफिक में क्या होता है, टू रूलर अर्बन लोकेलिटी के बेस पे डिवाइड होता है. फिर हमने पढ़ा सोशियोग्राफिक. सोशियोग्राफी में क्या होता है, सोशियोग्राफिक में कल्चर है, सोशल क्लास है, रेफरेंस ग्रुप है, उसके बेसिस पे डिवाइड होता है. फिर साइकोग्राफिक में क्या होता है, साइकोग्राफिक में जैसी लाइफ स्टाइल्स है, जैसी पर्सनैलिटी है, जैसा एटीट्यूड है, वैसा डिवाइड होता है. फिर बिहेवियरियल में क्या है, जैसा उसका विलिंगनेस है, क्या वो बाय करना चाहता है, ब्रांड लॉयल है कि नहीं, यूजर स्टेटस है, उसके बेसिस पे डिवाइड होता है. ये बेस पे सभी पॉइंट्स को डिवाइड किए जाएंगे. सो दिस वॉज दी वीडियो रिगार्डिंग द टू कंसेप्ट विच वी हैव लर्न. एक था कंज्यूमर बिहेवियर और दूसरा है मार्केट सेगमेंटेशन. तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. अगर आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. आपको अभी मैं नया एक MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो MCQs भी काफ़ी आपको मिलते रहेंगे अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, अबाउट टैक्सेशन. सो अकॉर्डिंगली उससे भी आपका काफ़ी अच्छे लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर होते रहेगा. अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपके वीडियोस जो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपके प्रिपरेशंस में मेरी तरफ से हेल्प हो जाएगा. सब्सक्राइब द चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद RSM एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. टिल देन बाय बाय. एज ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.